वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बता दिया आप योगा के हवाले से टिप्स देने वाले हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, वेट लॉस पे बात करने वाले हैं। सुलाफे नकवी को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो सुलाफे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुलाफे। आज हम वेट लॉस पे बात करने वाले हैं। किस तरह की टिप्स देने वाली हैं वेट लॉस पर? आज जो हम टिप्स देने वाले हैं जल्दी जल्दी वाली, आज थोड़ा सा वर्कआउट थोड़ा सा टफ होगा प्लैंक को लेकर और कुछ योगा की टेक्निक्स को लेकर। सबसे पहले हम दो चीजों में वार्म अप बताएंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे, आपने अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखे, ऑपोजिट अगर नहीं उठाना चाहते, यहाँ हाथ रखा वापस, इस चीज को 10 times एक साइड पर किया और 10 times दूसरी साइड पे किया। उसके बाद जंपिंग जैक्स जो हम नॉर्मली करते हैं, जंपिंग जैक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई वेट उठाना है। वेट उठाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्वाट करना है 10 times और जो जंपिंग जैक्स होंगे वो भी 10 times। उसके बाद क्या होगा, 10 times आपने हाथों को करना है, 10 times आपने स्क्वाट को करना है और 10 times आपने जो होगा ये जो जंपिंग जैक्स। अब ये चीज होगी, आपकी बॉडी होगी रेडी और आपने अपने बाजुओं को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद अब हम जाएंगे, थोड़ा सा टफ होगा आज, प्लैंक की बात होगी। उसमें आप प्लैंक में जाओगे, प्लैंक में आपको क्या करना होगा, प्लैंक जैक्स। इसमें आपने अपने हाथ यहाँ रखे। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से प्लैंक की तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ अपने आपको आदत डालें इस पोजिशन में आने की। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आपने अब जैक्स करने, मुश्किल नहीं होगा ये, आप बिगिनर्स यहाँ से शुरू करेंगे। इन्होंने सिर्फ कोशिश की इस दौरान खुद को मूव करने की। दूसरी पोजीशन क्या है, ये ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप यूज टू हो जाओ, आपको मुश्किल में अपने आप को डालना है, चैलेंज करना, ये जैक्स। जैक्स के बाद जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो होगा साइड प्लैंक, जो कि साइड फैट को बहुत ज्यादा टारगेट करता है, क्योंकि अक्सर लोगों की साइड्स पे बहुत ज्यादा होता है फैट। अब साइड प्लैंक कहते हैं मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा कुछ आपको अपनी बॉडी लिफ्ट करनी होती है। उसमें आसान क्या होगा, आपने अपनी ये लेग जो होगी फ्लोर पर रहने देनी है। इसको आप लिफ्ट करेंगे, यहां आपने हाथ रखे ये। अब अगर चाहते हो खुद को मजीद चैलेंज करना, आप मूव करोगे। ऐसे बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं आज थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए कि जिसे कहते हैं अब आ रहे हैं समर्स और हमें अब वो जिसे कहते हैं सही से जिम भी हिट करना है घर पर। समर में स्वेटिंग सबका बहुत फायदा होता है। यस, तो वो और एक ये होता है कि एक मोटिवेशन भी होती है कि समर है और अब हमें वेट रिड्यूस करना है। अब एक चीज आएगी जो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस करेगी, ये होंगे पिस्टल हैंड्स। पिस्टल हैंड्स में अपने हाथ यहाँ रखे, जैसे ही आपने ये चीज बनाई, फॉरवर्ड वापस आए, स्ट्रेच रिलीज अगेन। क्या किया, इसके साथ ब्रीदिंग भी होगा। यस, अब जब जैसे ही आप आगे जाते हो, हमेशा फॉरवर्ड बेंड में आपने एक्सहेल किया होता है, ठीक है, यानी कि इनहेल एक्सहेल एंड देन यहां से वापस आना चाहो, यहां से वापस जाना चाहो एंड रिलीज। इससे क्या हो रहा है, जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू हो और वेट रिड्यूस नहीं हो रहा या इस एरिया की ओबेसिटी हो, वो टारगेट होगी। अब नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं डेड बग। नाम बड़े फनी से होते हैं लेकिन इट वर्क्स। अब आपको क्या करना है, आपने इस पोजीशन में आना चाहते हो, इस पोजीशन में आ गए, ट्राई कि आपने अपना जो सर है वो उठाया हुआ है सिर्फ थोड़ा सा, ठीक होगा, लेकिन ये इंटेंस होगा बिगिनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम। अब बिगिनर्स क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखने के बाद सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि आगे जा रहे किसी चीज को टच करने की कोशिश करें यहाँ तक। अगर ये भी मुश्किल हो तो आपने सिर्फ हाथ भी नहीं अपने, कोशिश करो यहाँ हाथ रख लो, यहाँ हाथ रख लो, कोशिश करें कि इसको फ्लोर को प्रेस करें, आपको हेल्प हो आगे जाने में। यहाँ ठीक हो गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि वार्म अप करने के बाद वहीं से चीज शुरू करेंगे, जब आपने वार्म अप कर लिया उसके बाद आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेचिंग के जरिए खुद को टोन करूं, बहुत आसान स्ट्रेच है। उसमें क्या किया, एक तो हम नॉर्मली ये करते हैं जो बहुत कॉमन है, इनहेल करते आप गए, एक्सहेल करते आप वापस आ गए। इससे नेक्स्ट इसको वेरिएशन क्या होगी, आपने अपना हाथ पीछे रखा, चाहे तो यहां हाथ आप निकाल सकते हो अगर इतनी स्ट्रेच नहीं, शुरू में यहां बस हाथ रखा यहां साइड और जिस साइड का हाथ आपने पीछे लॉक किया हुआ है उस साइड पे स्ट्रेच कोशिश करनी। इससे आपकी स्ट्रेच एक तो बॉडी की डेवलप होगी, दूसरा जो साइड फैट जिसे हम कहते हैं वो रह जाता है, वो रहेगा नहीं, आपको आदत होगी। दूसरा, अगर कुछ नहीं करना तो कोशिश करनी है कि इस चीज को जरूर करें, लाइक फोल्ड कर सकते हैं फोल्ड कर लें, इसको थोड़ा सा ऑपोजिट ले गए। ये योगा में बहुत ही जैसे कहते हैं एक ट्रेडिशनल पोज है जो कि हमारा स्पाइनल ट्विस्ट होता है, उसमें आपने अपना हाथ यहाँ रखा, इस तरह रख सकते हो और बैक पर यहाँ आपको देखना होगा आपका टारगेट क्या होगा, कि आप शोल्डर की बिल्कुल स्ट्रेट वहां पर देख रहे हो। अगर शुरू में आपसे लेग फोल्ड नहीं भी की जाती, आपने स्ट्रेट रखी, थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्ट दिया, यहां तक भी होगा इट विल वर्क, लेकिन आपको यहां तक जाना है,
सेम दूसरी साइड पे भी यही चीज होगी. आपने अपनी लेग को ऐसे रखा, नी से थोड़ा सा क्रॉस करते हुए लेग को लेकर गए एंड ये कितनी टाइम्स करना है सलाफ? अब ये 30-30 सेकंड होगा बिगिनर्स के लिए, 30 सेकंड. उसके बाद आपको लेकर जाना होगा उसको 1 मिनट और 1 मिनट से ऊपर. ठीक हो गया. अच्छा जनाब, साथ साथ मैं अनाउंस करती चलूँ कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वेट लॉस के हवाले से, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है लेकिन चाहेंगे एक दो कॉल्स हम ले लें. अगर आपको टिप्स सलाफे से जानना चाहते हैं तो सलाफे वेट लॉस के हवाले से कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ आपने टारगेट करना है वो भी सलाफे आपको बता देंगे. जी सर, अब कुछ चीजें हैं जो वार्म अप के लिए ज्यादा वर्क करती हैं. होता क्या है, मैंने ये भी देखा है कई दफा, क्योंकि बताना जरूरी है, मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ जिम में ज्यादातर लोग अपने घुटने तोड़ रहे होते हैं. अब आपकी स्ट्रेंथनिंग इतनी नहीं है तो स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्ट्रेच कर रहे हो जंपिंग जैक्स किए, अब वेट के बगैर आप स्क्वाट कर रहे हो अगर, तो वेट के बगैर भी स्क्वाट. लेकिन रिमेम्बर जो पहले बताया था कि जब आप स्क्वाट करते हैं, आप चाहे वाइड स्क्वाट करें, आपके नी क्रॉस नहीं करने चाहिए आपके जो टो है उसको. ठीक है, हम नॉर्मली ये करते हैं इसलिए घुटनों में दर्द आता है. आपको करना होता है ये बैक पर आप बैठते हो, समझो कि चेयर है जहां आप बैठ रहे हो. हम चेयर पर बैठते हैं तो बिल्कुल बैक इस तरह होती है, हमारी जो नीज है वो आगे नहीं होनी चाहिए. इसी तरह जब आप रनिंग भी करते हैं, एक टिप है, होता है कि हमारे पांव ज्यादा क्यों दर्द करते हैं, हमारे शूज सूटेबल नहीं होते. तो उनको कहें कि शूज अपने साइज से एक थोड़ा सा आपको बड़ा खरीदना पड़ेगा ताकि आप इजीली उसमें रनिंग कर सकें. दूसरी चीज जो आती है, आपका जो लोअर पार्ट है उसकी सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि मैं खुद भी करती हूँ, उसमें ये होता है कि आपने यहाँ अपना जो फ्लोर पर आप इस तरह से आगे अपने हाथ रखें, लेग को थोड़ा सा रेज किया, रेज करने के बाद लेफ्ट और राइट लेकर जाएंगे इसको. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग अगर आपको लग रहा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू में इसको हल्का हल्का टच करने की कोशिश की. नेक्स्ट लेवल ये होगा, उसके बाद आप फ्लोर को टच नहीं करेंगे. इससे ये होगा कि ये ज्यादा आपके जो फैट को एक तो टारगेट करेगा और जो आपको ये कितने टाइम्स या कितने सेकंड्स हमने करना है, एक साइड पर जो आप कर रहे हो उसको आपको इंटेंस बनाना है. 20-25 टाइम्स आप एक लेग पर, जिसे हम कहते हैं ईच लेग, आपने वो करना है. अब अगर आपको लगता है कि मैं बैठ नहीं सकती, मुझे मुश्किल लगता है फ्लोर पर आना, तो उससे भी आसान एक चीज होगी. आपने अपना हाथ यहाँ रखा, मेंटेन करना है बैलेंस यहाँ पे, लेग को पीछे लेकर गए, माशाल्लाह. अच्छा, लेग को पीछे लेकर गए, यहां पर ऐसे आपने सिर्फ ये करना है, ये चीज, ये. इससे ये होता है कि जो आपका साइड फैट है ऑब्वियसली वो टारगेट होगा और आपकी लेग में स्ट्रेंथनिंग आएगी. नॉर्मली लोगों के लेग्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, और इसको अगर आपने चेक भी करना हो तो जिम में या कहीं पर आप हैं जहां आप किक की प्रैक्टिस करते हैं, आप इन एक्सरसाइजेस को करें जितनी बताई जा रही हैं. सही. उसके बाद आप किक करके देखें किसी पैड पर, आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग पता चलेगी कि डे बाय डे आप इम्प्रूव कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं. अच्छा सलाफे, शोल्डर्स के हवाले से मैं चाहूंगी कि इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कुछ बताओ. शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग, अब ये होगा फुल बॉडी इसमें आपकी इन्वॉल्व होगी, इसे हम चेस्ट फ्लाई कहते हैं. वेट पकड़ने वेट पकड़ लें, आपने ये किया, ये जब आप कर रहे हो तो साथ आप मूव करोगे, यहाँ आप वापस आओगे ये चीज. अब आपने अगर वेट पकड़े होंगे तो ये आपके लिए ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक जगह बगैर वेट के आप इस चीज को दोहराते रहो. होगा ये कि नेक्स्ट चीज, अगर आप चाहते हो कि नीचे स्टेप लेना मुश्किल है, ये चीज ऊपर वापस यहां, ये बिल्कुल फ्लाई की तरह ही होगा. वापस गए यहां ऊपर एक्सटेंड करने के बाद सेम उसी पोजीशन में आप यहाँ आकर वापस आ जाओगे. सलाफे कितने टाइम करना है? ये होगा 25 टाइम्स आप इस चीज को दोहराओगे, और यही जो चेस्ट फ्लाई भी होगा तो ये स्टेप के साथ होगा, तो एक स्टेप मींस इस साइड पे ये एक होगा, तो आपको इस तरह इसको 25 टाइम्स दोहराना होगा. एक कॉल ले लेते हैं, फरहान है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक. फरहान साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि जो पेट का हिस्सा है जो हिप से थोड़ा ऊपर है वो हैवी है. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही फरहान साहब. बेली के हवाले से बात करना चाह रहा था. ठीक है ठीक है. बेली जो है वो उसमें ज्यादा है, चर्बी उसके हवाले से. ठीक हो गया, फैट बेली एरिया पे ज्यादा है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरहान साहब. हाँ जी सलाम. अच्छा, बेली के लिए इसमें सबसे जो हम जिस तरह डेड बग कर रहे थे, डेड बग के अंदर ही सेम, या तो उस पोजिशन में जाकर, जस्ट लाइक आप इस पोजिशन में अगर हो तो आप ये चीज करोगे प्रैक्टिस, अपनी लेग को कोशिश करें कि यहाँ होल्ड करने की आदत डालें. आपने पहले तो होल्ड से शुरू करना है. अब आपको ये साथ लेग्स और आपके पेट को इकट्ठे टारगेट करेगा, उसके बाद आप अपनी रोटेशन पर आएंगे. अब इसमें होगा क्या, रोटेशन के साथ आपने इसको सेम फिर रिवर्स उसी पोजिशन में किया, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको रेज करते जाएंगे.
रेज करने के साथ साथ जैसे देखोगे कि आपका पहले जो प्रेशर यहाँ था वो लोअर टमी पे था, जैसे ही आपने अपनी लेग को रेज कर दिया रोटेशन की 30 रोटेशन एक साइड पर, तो आपका जो अपर टमी है आपको फील होगा जो कि एब्डोमिनल रीजन है वो आपका टारगेट होना शुरू हो गया। तो ये रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, प्रेशर पॉइंट भी बता दें वेट लॉस के लिए। प्रेशर पॉइंट जो हम वेट लॉस के लिए एक तो हम बता चुके थे, सेकंड जो आपकी एयरिंग होती है उसका जो थर्ड है वो भी मैं बताती हूँ, और एक हमारे साथ ही एक एंकल पर भी होता है, हम एंकल के बारे में बता देते हैं कि एंकल के जो इनवर्ड्स आप जाओगे ऑब्वियसली इस साइड पर जो आपकी बोन होती है उससे तकरीबन 2 या 3 फिंगर्स ऊपर, यस 3 फिंगर्स ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आपको प्रेस करना होगा। तकरीबन 30 सेकंड तक आपने प्रेस किया, उसके बाद आप छोड़ दो, तकरीबन 2-3 दफा दिन में आप इस चीज को दोहराओगे, साथ अपनी बैलेंस डाइट रखी होगी तो सारी चीजें फिर मैनेज हो जाएगी। एक जल्दी से छोटा सा मैसेज हमारे देखने हम जितना भी कुछ बता रहे कोई एक एक्सरसाइज कोई एक सर्किट ट्रेनिंग पकड़ लें, बी परसिस्टेंट बी पॉजिटिव। लवली, थैंक यू वेरी मच सलाफे जबरदस्त टिप्स देने के लिए। जनाब सलाफे ने आपको बता दिया वेट लॉस के लिए, बहुत सारे लोगों को वेट लॉस के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं लेकिन योगा इज लिटरली इफेक्टिव। अभी जो पहले हमारे पास सलाफे मेहमान आई थी वो भी कही थी कि वो इतना इंटेंस योगा करती रही है और शी वाज, हाँ एथराइटिस के लिए भी उनको प्रॉब्लम था और वो बता रही थी कि उनके लिए इफेक्टिव है। तो मतलब योगा इज वेरी इफेक्टिव, अगर आप नॉर्मल रूटीन में उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं। और सलाफे तो है ही आपका बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपसे हम इजाजत लेंगे इंशाल्लाह, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और आज का शो अगर आपने मिस किया तो हमारे यूट्यूब चैनल है लाहौर न्यूज का, जागो लाहौर का, वहां पर अवेलेबल होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।